मैं हूँ स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मेरी जंक ज्वेलरी का कलेक्शन। सो जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियो में देख लिया होगा कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जंक ज्वेलरी है और मैं सबका सब नहीं दिखा सकती इस वीडियो में। सो आई हैड प्रिपेयर्ड दैट वीडियो फॉर यू। उसमें भी मैंने बहुत सारे एक्सक्लूड कर दिए थे जो कि यूजुअली सबके पास होते हैं या फिर जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो मेरे घर पे मतलब मायके में पड़े हुए हैं। सो आई हैव नॉट बॉट दैट। तो समझ लीजिए कि आधा कलेक्शन अभी मेरे पास है जो मैंने आपको दिखाया है। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन मेक वन मोर वीडियो विद अदर वंस जो कि रह जाएंगे। सो दिस इज़ वन बॉक्स ऑफ ज्वेलरी एंड आई हैव टू मोर लाइक दिस, बट सारे का सारा मैं नहीं दिखाने वाली हूँ। मैं बहुत स्पेशल जो मुझे अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, मैं सिर्फ वो चुनिंदा पीसेज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये उनमें से एक है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स अ बिट हैवी लेकिन आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है और बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। आप कोई भी आउटफिट के साथ अगर इसको पहनते हो तो ये इन्हेंस कर देता है उस आउटफिट के लुक को। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है ऑन योर ईयर्स, मतलब मुझे आदत है हैवी ज्वेलरीज पहनने की, तो आई कैन से बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पहनते सो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज इट इज़ ऑन अ बिट ऑफ अ हैवियर साइड। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा लुक देता है एंड आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं फॉर द एंटायर इवनिंग। Alright, so I'm going to start with this one, जो कि आपने मेरे मीशो हॉल में देखा होगा। इसको मैंने मीशो हॉल वाली वीडियो में पहना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो अभी मेरे चैनल पर जाके देख लो। सो इसको मैंने पिंक कफ्तान के साथ पहना था मीशो वाली वीडियो में, और बहुत ही अमेजिंग ज्वेलरी है ये, बहुत ही प्रिटी एंड लाइट वेट है। सो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था काफ़ी टाइम पहले और मैंने इसको 300 में मंगवाया था। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज़ द चांद वाली, और ये बहुत ही प्रिटी लुक देता है आपके किसी भी इंडियन वेयर को। मोस्टली ये हैवी सूट्स वगैरह अगर आप पहनते हैं थोड़े तो उसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लुक देगा। इट इज़ ऑन अ वेरी लाइटर वेट साइड, इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ लीफ एंड इट आई गॉट इट फॉर अराउंड 250 to 300। नेक्स्ट इज दिस वन, ये आप लोगों ने हर जगह देखा होगा, हर किसी को पहने में देखा होगा आई एम श्योर, बिकॉज ये मुझे लिए हुए आई थिंक कम से कम 3 साल या 4 साल हो चुके हैं एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। मैंने इसको एक या दो बार पहना है। ये पीछे से ऐसे हॉलो है सो इसमें कोई वेट नहीं है एज सच, और बहुत ही प्रिटी लुक देता है व्हेन यू वेयर इट। सो या यू कैन गो फॉर इट एनी टाइम। ये ऑनलाइन अवेलेबल है और अब तो आई थिंक काफ़ी सस्ते हो गए बिकॉज ये काफ़ी पुराना डिज़ाइन है, आई मीन पुराना है बट अभी भी चल रहा है, तो अभी काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन भी और मार्केट में भी। आई थिंक इसको मैंने 200 या 250 के आसपास कुछ खरीदा था। अगेन दिस वन इज़ अ वेरी लाइट वेट और ईजिली किसी भी सिंपल प्लेन सूट वाइट या फिर कोई भी कलरफुल आप पहन सकते हो, बहुत ही लाइट वेट है, देर इज़ नो वेट एट ऑल इन दिस वन, और ईजिली कैरी कर सकते हैं आप इसको। आई थिंक इसको मैंने 150 का लिया था फ्रॉम CP मार्केट, और CP में जो पेडेस्ट्रियल मार्केट है वहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं जंक ज्वेलरी, बहुत प्रिटी प्रिटी मिलते हैं। अब तो मुझे बहुत टाइम हो गया गए हुए, आफ्टर वेडिंग में जा नहीं पाई हूँ एक बार भी CP, बट पहले वो मेरा हर संडे का अड्डा होता था सो आई यूज़ टू शॉप अ लॉट फ्रॉम देयर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज़ माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट झुमका, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। इफ़ यू वुड सी, इसमें ये झूमर बना हुआ है और ये झूमर इतना प्रिटी लगता है, बस ये गहना बंद करते हैं। सो यू सी हाउ प्रिटी इट इज़, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लुक देता है। इसमें कलर्स भी हैं थोड़े से, तो यू कैन वेयर इट विद एनी थिंग, और ये हर किसी के साथ चला जाता है। इसको मैंने साड़ी के साथ पहना है, इसको मैंने सूट के साथ पहना है, और इसको मैंने हेवियर साइड पे पहना है एंड लाइटर साइड पे पहना है, और सबके साथ ही बहुत प्रिटी लगता है। ये भी मैंने CP में पेरिस्टल मार्केट से लिया था एंड बहुत ही टिकाऊ है अर्बट से, क्योंकि मुझे इसको खरीदे हुए भी कम से कम 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, और ये 2.5 साल से ऐसे का ऐसा ही है, ना कलर आया है कुछ ना कलर गया है। सो इट इज़ वन ऑफ अ काइंड एंड आई लव इट। नाउ अगेन दिस वन इज़ अ वेरी ट्रेंडी वन, अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये झुमका पहन चुके हैं और पहन रहे हैं अभी भी। आई गॉट इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, और सब सो मैंने इसको भी फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, और जब मैंने मंगवाया था इसको 210 या 220 ऐसा कुछ प्राइस था इसका। बहुत ही लाइट वेट है, ये देखने में हैवियर साइड पर है बट काफ़ी लाइट वेट है एंड द डिज़ाइन इज़ रियली प्रिटी।
ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज साइड में आता है, सो इट लुक्स प्रिटी विद एवरीथिंग यू वेयर. यू कैन वेयर इट विद अ साड़ी और अ सूट और कुर्ता और जीन्स में भी, बट इट विल लुक प्रिटी ऑफ. सी हाउ प्रिटी. नेक्स्ट इज दिस वन, एंड दिस आई बॉट फ्रॉम जयपुर. ये बहुत ही प्यारा झूमर डिज़ाइन है इसका और बहुत ही सुंदर कढ़ाई है. इफ़ यू कैन सी अगेन, जैसा कि मैंने कहा पहले, मैं सीपी हमेशा जाती थी एवरी वीकेंड, सो मैंने वहाँ से बहुत शॉपिंग की है. सीपी में चलते फिरते दिख गया और उठा लिया, सो दिस इज़ वन ऑफ दोज. एंड बहुत ही प्रिटी डिज़ाइन है इसका. इफ़ यू वुड सी, आप इसको वेस्टर्न या इंडियन किसी के साथ भी कैरी कर सकते हो. बहुत ही प्रिटी लुक आता है. आई थॉट ऑफ वेयरिंग दिस फर्स्ट विद दिस और ये परफेक्टली जाएगा भी, बट देन आई ऑप्टेड फॉर दिस वन. दिस इज़ अगैन फ्रॉम सी पी एंड दिस इज फॉर अराउंड 150 एंड दिस इज रियली प्रिटी एज यू कैन सी. मुझे नहीं पता अगर इंडिया में कोई ऐसी लड़की हो सकती है जिसके पास ये ना हो, बिकॉज जब से अनुष्का शर्मा ने ये पहना है इट बिकेम सो फेमस कि अब ये सभी के पास ऑलमोस्ट है. सो दिस वन बिकेम माई फेवरेट व्हेन आई सॉ अनुष्का शर्मा की फोटो. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट वंस, माई फेवरेट वंस, और ये है मेरी सबसे सस्ती ज्वेलरी में से. ये मैं लेके आई थी 50 रुपीज़ की सरोजनी मार्केट से, और ये कितना क्लासी लगता है इफ़ यू वुड सी. You can wear it with jeans or top also and it will look amazing. And last but not the least, this is one of my favorites again. This is a red one. और इसको मैं लेके आई थी लाजपत से अगैन इन 50 रुपीज़. वहाँ पर 50 रुपीज़ में पूरा वो सेल सा लगा रखा था उन्होंने, सो उसमें से मैंने 3-4 लिए थे. ऑलमोस्ट सारे टूट गए हैं लेकिन ये बचा है और वो बिना पहने टूट गए बाय द वे. सो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड वन और इसको तो कम से कम 4-5 साल हो गए होंगे. 50 रुपये का लेके आई थी मैं लाजपत से जब मैं आई डोंट नो किसी चीज़ की शॉपिंग करने गई थी और बस मुझे रास्ते में ही दिख गया था. सो इट ओके. सो ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. ऑफकोर्स सारे इयर रिंग्स नहीं दिखा सकती बिकॉज बहुत सारे इयर रिंग्स हैं और फिर लंबी हो जाएगी और ज़्यादा. सो अगर आप लोगों को उन इयर रिंग्स की डिटेल चाहिए जो कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में डाला था बट अभी मैंने पर्टिकुलरली नहीं दिखाया है, तो आप मुझे बता दीजिएगा. आई विल गिव यू द डिटेल्स फॉर दैट. आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अदर देन दैट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ लाइक करो, शेयर करो. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो. I will be waiting for your guys to comment and let me know which is your favorite and which part you like the most. I'll see you again with more videos and till then take care. Have a good day. Bye-bye.